जल्दी जल्दी CSS करें, गाड़ियां, बंगले, घरों के शशकों के साथ साथ अब मजीद भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये एक दीवार की ईंट है ना, तीन दीवारों की, इसमें गरीब आदमी का घर बनता है। ऐसी इधर 40 दीवारें हैं बुनियाद में, बुनियाद की दीवारों से। अभी जो ऊपर जाएगा वो तो अलग खर्चा है ना। कहते हैं जी कर्जा है, कर्जा है, कर्जा सिर्फ हम पे ही है, इन लोगों पे नहीं है। वो लाती है अपने लिए, हमने क्या कौन सा कर्जा खाया है। सन 81 में 8 करोड़ कर्जा था और 8 करोड़ आवाम थी, 1 रुपये के हम मकरूज थे बच्चे। हराम में हराम खाए जा रहे हैं, हराम में बरकत नहीं है। तकरीबन मेरी 40 साल मेरे ये तजर्बा हो गया है। अच्छा। इसमें से सबसे मुश्किल वक्त ये आया 3 साल में, बच्चे भी नाल लेके आए। मजदूरी क्यों नहीं पढ़न दी टाइम है उन्होंने, 10वीं 11वीं 12वीं छुड़वा के देते काम दे ले हमें। बिजली के बिलों और महंगाई ने मेरी और आपकी जान निकाल के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बन रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के नए बड़े बड़े घर, और सॉरी घर नहीं बंगले। रोजी कमा रहे हैं, ये किसके घर बन रहे हैं ये नहीं पता किसके हैं। मेरे ख्याल कोई सरकारी घर है, ये आवाम के तो है नहीं। सरकारी घर है, मजदूर भाई बड़ा बात करने से डर रहे हैं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो कोई बात नहीं है, डरेंगे नहीं, लेकिन आप ये नशर नहीं करेंगे। क्या ये मैं नशर करूंगी, आप बात कीजिए। बहुत मुश्किल है, मैं नशर करूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। ठीक हो गया, सही है। नशर क्यों नहीं करूंगी, ये आपको क्यों लगता है ऐसा। ऐसे सुना है ना, जो अच्छी बात होती है जो मजदूरों के हक में नहीं होती वो। अभी तकरीबन मेरी 40 साल मैंने ये तजर्बा हो गया है। अच्छा। इसमें से सबसे मुश्किल वक्त ये आया 3 साल में। बहुत अच्छा था पहले। अच्छा। मेरे 5 बच्चे थे। हाँ। बहुत अच्छी रोजी कमा के उनको दे रहा था। ठीक है। ये 2 महीने हो गए, मेरे बच्चे भी अभी जवान है, एक वो बच्चा खड़ा है, एक ये बच्चा खड़ा है। अच्छा। एक इधर और फिर रहा है। 3 बेटे साथ ही मजदूरी कर रहे हैं, वो भी साथ कर रहे हैं, फिर भी बहुत मुश्किल हो गया है तो हक लाल में है बरकत, लेकिन फिर भी नहीं पूरा हो रहा। 3 साल मुश्किल हो गए हैं बहुत सारे। हम टैक्स दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, और इधर आप अफसरों के घर बनाए जा रहे हैं। बिजली के बिल कैसे, बिजली के बिलों पे टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं। महंगा, अभी 2 साल पहले मुझे 300 रुपये बिल आता था, तभी मुझे 3000 रुपये बिल आया, वो भी भरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये घर की बुनियाद रख रहे हैं, कितनी जगह है ये एक घर की। मेरे ख्याल है 20 मरले से ज़्यादा होगी। 20 मरले से ज़्यादा मरके डाल के तो तकरीबन 1.5 कनाल हो जाएगी। अच्छा, 1.5 कनाले, 30 मरले से भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत बड़े घर नहीं है, बहुत हमारे। हम कहते हैं जी कर्जा है, कर्जा है, कर्जा सिर्फ हम पे ही है, इन लोगों पे नहीं है। वो लाती है अपने लिए, हमने क्या कौन सा कर्जा खाया है। सन 81 में 8 करोड़ कर्जा था और 8 करोड़ आवाम थी, 1 रुपये के हम मकरूज थे बच्चे। जो पैदा बच्चा होता था ऐसे सुनते थे, उस वक्त मैं छोटा था, आपकी आपसे भी छोटा था, तो अभी सुनते हैं कि 2 करोड़ से भी ज्यादा एक आदमी मकरूज है। 8 लाख का मकरूज हो गया एक बंदा। एक बंदा, हाँ। हर पैदा होने वाला बच्चा 8 लाख का मकरूज है। उस वक्त 8 लाख का पूरा मुल्क मकरूज था। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देखा आपने इतने सालों में। बेबरकती आ गई है, काम में बरकत नहीं है, अकल हाल का नहीं है। सूद का पैसा है, सूद से कमाते हैं, सूद वो खाते हैं, बस उसमें हराम है, हराम खाए जा रहे हैं, हराम में बरकत नहीं है। वो तो सबको पता है, पढ़े लिखे आदमी को, जो पढ़ जाता है उसको तो पता होता है, चलो मेरे जैसा जो अनपढ़ है उसको तो नहीं पता है। जो पढ़ जाता है मेरे जैसा भी अभी सुन के पता है उसको भी है भाई ये हराम है, लेकिन फिर भी हम हराम खाते हैं। तो चाचा, सारे मजदूर भाई जब बैठते हैं चाय पे खाने पे, तो बात नहीं करते कि अफसरों के घर से बनाई जा रहे हैं तो साढ़े घर च 2 ईंटा भी नहीं लग रही हैं। तो असं तो मजदूरी लैन वास्ते खाना, मजदूरी मिलती भी नहीं अगे, किधर अगर जाइए इधर मजदूरी लैन वास्ते नहीं मिलती। इधर आ जाने, बड़ी दूर है साढ़ा, मेरा बहावल नगर घर है, इतना दूर आया हैं। पहले भी दूर आता सा, लेकिन इतना नहीं आता सा। अच्छा। करता सा काम मैं, हूँ बहुत दूर आ गया, हूँ तो बच्चे भी नाल लेके आया। मजदूरी क्यों नहीं पढ़न दी टाइम है उन्होंने, 10वीं 11वीं 12वीं छुड़वा के देते काम दे ले आया मैं। पढ़ने देते ना, कोई अफसर बन जाते फिर कल को कुछ और मजदूर आपके बेटों के बड़े बड़े घर बना रहे होते जब वो अफसर बन जाते। अफसर बनने क्या है, वो खुद आ ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमारी माँ भी भूखी मरती है, हमारी बहन भी भूखी मरती है, तो आपकी कमाई से तो पूरा नहीं होता है, हम क्या करें। तो क्या करें वो बेचारे, मेरी अकेले की कमाई से तो वो पूरा नहीं होता ना। मजदूर की जिंदगी नीचे जा रही है, बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। अभी तो इस 3 सालों में तो बहुत ज्यादा नीचे चली गई, पहले फिर भी गुजारा था,
अभी वो जो अच्छे लोग जो घर में बैठे हैं जिनके पास रकबे हैं उन लोगों को वो पैसे भी मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, तो मेरे जैसा जिसका घर भी अपना नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ पर काम पे? इधर तो थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन मेरे घर ज़्यादा 10 दिन हो गए होंगे। 10 दिन हो गए, तो ये कितने महीने का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, कितने महीनों में इसको मुकम्मल करना है, डेडलाइन क्या है? ये नहीं मालूम हमें, ये नहीं मालूम। तो ये नक्शा क्या है, कितने कमरे होंगे, ये डबल स्टोरी है, सिंगल है, ये कैसे घर बन रहे हैं? उधर तहखाना है छोटा। अच्छा, नीचे उसके में मुलाजम वगैरह रहेंगे। अच्छा, जैसे हम मुलाजम कर रहे हैं ऐसे होंगे। वो मेरे ख्याल में कमरा है, पीछे बेडरूम है यानी कि मुकम्मल है, ये ड्राइंग रूम है नीचे, और ये भी कमरा है, ये भी बेडरूम है। दो बेडरूम है मेरे ख्याल में, कोई ऊपर भी होंगे दो, ऐसे ही होंगे। डबल स्टोरी बन रहा है? हाँ, डबल स्टोरी है। ये बड़ा आलीशान घर बनेगा आपको लग रहा है? बहुत ही है, इतनी ईंटों से, ये एक दीवार की ईंट है ना, तीन दीवारों की, इसमें गरीब आदमी का घर बनता है। ये ऐसी इधर 40 दीवारें हैं। तीन, ये इतना सा गरीब का घर बनता है तीन दीवारों में? इन तीन दीवारों में ना मेरे जैसे गरीब आदमी का घर बनता है पूरा, तो इधर तकरीबन ऐसी 40 दीवारें हैं इस घर में, बुनियाद में, बुनियाद की दीवारों से। अभी जो ऊपर स्ट्रक्चर जाएगा वो तो अलग खर्चा है ना, अलग काम है उसका। तो हुक्मरान क्यों नहीं तरक्की की तरफ ले जा पा रहे मुल्क को, क्या वजह क्या है? तो ये जो सूद आ गया है ना, ये खुद ही आवाम को खोज कर उधर ले जा रहा है, यानी कि उधर बस खुद लेके खाना है, कमा के तो खाना ही नहीं हमने। जैसे मैं कमा के खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी आ गए हैं मेरे साथ, भी हम कमा के खाएंगे, सूद लेके नहीं खाएंगे, उनका मौदा है तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या कोई और काम सीखेंगे। तो वो मेरा बच्चा मिस्त्री बन गया है अल्लाह के करम से, कोई दूसरे तीन भी भतीजे हैं वो खड़े, दो ये खड़े। अच्छा, ये भाई के बेटे हैं बड़े। मजदूर का बच्चा मजदूर ही क्यों बनेगा, मजदूर का बच्चा अफसर क्यों नहीं बनेगा? अफसर उस वक्त ही बनेगा जब ये कोई ऐसा अच्छा आदमी आएगा उनको पढ़ाने के लिए, हम तो पढ़ा नहीं सकते ऐसी मुश्किल वक्त में, और जो नहीं पढ़ा सका पहले उसका अभी भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसकी माँ ही ऐसी होती है अनपढ़, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। कोई पढ़ी लिखी पैदा हो भी जाती है हमारी बरादरी में, वो चाहती है कि मैं तो बड़ा आदमी ढूंढ लूँ, कोई पढ़ा लिखा ढूंढ लूँ, उसमें जाऊँ मैं। जब माँ पढ़ी लिखी नहीं होएगी तो ज़रूरी तो नहीं है, पहले माएँ नहीं भी पढ़ी लिखी थी लेकिन औलादें पढ़ी हैं, थोड़े पढ़े लिखे थे जो ज़्यादा पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी, कई इलाकों में तो औरतों को पढ़ाते भी नहीं। आप तो पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे इलाके में कई इलाके ऐसे भी हैं जगह भी, जिधर हमारे इलाके में स्कूल ही अभी तकरीबन मेरे 5 या 6 साल हो गए बनाए बच्चियों को, स्कूल ही नहीं था पहले बच्चियों का स्कूल। बहावलनगर में? बहावलनगर में। कौन सा इलाका बहावलनगर का? बहावलनगर मिंचनाबाद मंडी सादकगंज का। मंडी सादकगंज में स्कूल ही नहीं था? एक रतिराम का गांव है मेरे साथ, उसमें बच्चियों का नहीं है, उसमें मर्द पढ़ाते हैं और बच्चियां भी उनके पास पढ़ती हैं। जब बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनका माँ बाप बोलता है भी नहीं ये मर्द पढ़ा रहे हैं इनके पास नहीं छोड़नी, घर ले जाएंगे, वो घर बिठा लेते हैं। मेरी बच्ची काफ़ी अभी 13-14 साल की है, तो उसको मैंने 6वीं क्लास में छोड़ा दिया है, बोलते हैं नहीं जा सकती, मास्टर हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, छोड़ के घर में आ गई। अभी ऐसी है नहीं कि मैं उसको शहर भेज सकूँ, शहर उससे तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, उधर 2 दफ़ा आना जाना क्या है मुश्किल है, बहुत 2 लीटर पेट्रोल लगता है, 2 दफ़ा आएँ और जाएँ 10-12 किलोमीटर में जाएँ तो। अच्छा, हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज कोई पैगाम? मैं पूरा नशर करूंगी, आपने शिकवा किया है कि आप नहीं चलाओगे, मैं पूरा दिखाऊंगी। ये हुकूमत को यही करना चाहेंगे कि जो हक है किसी का उसको हक दें। ठीक है, हमारे इलाके में गांव में ज़मीन जरी ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, अभी तकरीबन जो पाकिस्तान बना है उसके बाद उसको पानी नहीं मिला, तो पानी अभी मिला है, आज ही अभी 4 साल हो गए हैं पानी मिले को, जो पानी मिला है तो उसको मेरे को बताया गया कि भी ये 40 साल से पहले आपको आपने इस पानी का मुआवजा देना है, क्यों देना है अभी, पानी लग रहा था अभी नहीं है, हमारी फसलें तो तबाह है ही नहीं, इधर खाली पड़ी, अभी उधर पानी मिला है हमारे को, हमारा पानी कोई और पीता रहा है, किसी और ने खाया है, तो वो हकदार को हक नहीं मिल रहा, हकदार को हक मिलेगा, वो हुकूमत का काम है कि हकदार को हक दें। लाहौर में लूट सेल मेला, जल्दी जल्दी CSS करें, गाड़ियां बंगले घरों के शशकों के साथ साथ अब मजीद भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो फिर जल्दी जल्दी आप भी CSS करें, क्योंकि ये नए तामीर होने वाले बंगले आपके मुंतजिर हैं। ब्यूरोक्रेसी के शशके का ये पहला एपिसोड था, अगले एपिसोड्स आपको दिखाने हैं, उसके लिए आपने हमारे साथ रहना है, तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड्स का।